भैया अब वक्त आ गया है कि हम कॉबॉय ज़ॉम्बी के बॉस को हराएं भैया। ओए हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। चल आज ज़ॉम्बी बॉस को हराएंगे, वो भी कॉबॉय वाले। पर पिछले बार हम कहाँ तक पहुँचे थे भैया? हमने इस वर्ल्ड के 16 लेवल क्रॉस कर लिए थे, अब 17 लेवल से स्टार्ट होगा भैया। आज भी हम लगभग 8 वर्ल्ड खेलेंगे भैया, सॉरी 8 लेवल खेलेंगे। उसके बाद फिर फाइनल हम लड़ाई करेंगे ज़ॉम्बी बॉस से। ओ ये क्या नया चैलेंज है? बीच में फ्लावर है, उनको ट्रैम्पल करने नहीं देना है। ओके तो उसके लिए एक काम करता हूँ, पहले सनफ्लावर तो चाहिए ही चाहिए, ट्विन सनफ्लावर भी रखने पड़ेंगे। अब इनको ट्रैम्पल से बचाने के लिए एक वॉलनट तो चाहिए ही चाहिए। सोच रहा हूँ इस लेवल पे अभी तक बोंग चॉय को यूज़ नहीं किया है, तो इसको रख के देख लेता हूँ। उसके अलावा आइस बग लेटेस ज़रूरी है, रिपीटर्स लेने पड़ेंगे। और फाइनली सोच रहा हूँ कौन सा लूँ, ये चिली बीन ले लेता हूँ, काम का है। अरे भैया हाँ, वो इलेक्ट्रिक वाले प्लांट को भूल रहे हैं भैया, उसको दे लेना था ना। बोंग चॉय को मत लीजिए भैया, उसके अलावा वो इलेक्ट्रिक वाला लीजिए भैया, बहुत काम का है। ओए हाँ, उसके बारे में भूल गया था। कोई बात नहीं, बोंग चॉय को हटाना पड़ेगा। सॉरी बोंग चॉय, तेरा इस लेवल में कोई काम नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब बाकी प्लांट को ले लेते हैं। चल अब खेलना स्टार्ट करते हैं। ओए देख, सबसे पहले सनफ्लावर रखूँगा और सबसे पीछे में अच्छी लाइन है वहीं रखूँगा। और बीच वाले हिस्से में जो ऊपर से नीचे तक जाती है, उस ट्रॉली में मैं ये रिपीटर रखूँगा। बाकी मुझे हर लेवल पे एक वॉलनट तो चाहिए ही चाहिए। तो एक काम करता हूँ, ये ज़ॉम्बी आ रहा है, आइस बग लेटस रख देता हूँ और वहाँ पर वॉलनट भी रख लिया। चल कोई नहीं, आइस बग लेटस भी रख देता हूँ, दोनों काम करेगा। तब तक के हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, ट्विन सनफ्लावर रख देता हूँ और ये जब तक फ्रीज होगा और खाता रहेगा तब तक कि मैं रिपीटर रख दूंगा बीच वाले ट्रॉली में। हाँ भैया सही प्लान है, जल्दी से जल्दी रिपीटर रखिए भैया, ये होगी ना बात। अरे भैया दूसरे लेवल से भी आ रहा है, जल्दी से एक वॉलनट रखना पड़ेगा वहाँ भी भैया। ओए तूने बोला और मैंने रख दिया। देख आइए, स्लाइड करना बहुत आसान है, इस जो रिपीटर है उस वाले से काम करना बहुत आसान है, क्योंकि आराम से इसे स्लाइड किया जा सकता है। अब इसके सामने एक चिली बीन रख देता हूँ, खा के तुरंत मर जाएगा। और देखते हैं, अभी तक मेरा एक्टिव नहीं हुआ है, एक और मुझे चाहिए था वॉलनट, हो गया, तुरंत रख दिया। अभी सही चल रहा है, केवल दो ही जगह है जहाँ मेरे वॉलनट ही रखे हुए हैं, तो पहले रिस्क नहीं लेता। कोन वाले ज़ॉम्बी को तो मैं बाद में भी मार सकता हूँ, क्योंकि मेरा वॉलनट खाता रहेगा। हाँ भैया देखते हैं भैया क्या होता है। तो स्लाइड करके इसे नीचे ले आए भैया, बढ़िया है। जैसे ही आपको वॉलनट एक्टिव होगा तुरंत अगला भी लगा दीजिएगा भैया। ओए रुक, लगाता हूँ, रिपीटर लगना जरूरी है। तो अभी चार जगह मेरे वॉलनट हो गए, एक जगह बस बाकी है। अब मुझे थोड़ा अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी मुझे रिपीटर लगाने पड़ेंगे। हाँ भैया ऊपर से वो देखिए भैया कौन वाला आ रहा है। अच्छा कि आपने चिली बीन रख दिया भैया, वो वही मर जाएगा, बढ़िया है। देखिए भैया ये सांड आ रहा है, इसके लिए आप जल्दी से प्लांट फूड यूज़ कीजिए भैया, तुरंत ही। ओए ठीक है रुक जा, अभी करता हूँ, पहले इसको फ्रीज कर दिया। अभी मेरे पास दो प्लांट फूड है, उन्हें कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। वॉलनट मैंने हर जगह लगा दिए, रिपीटर भी लगभग हर जगह लग गए हैं मेरे, और अब तो सनफ्लावर भी सभी जगह रख गए, ये सही है। अब मेरा सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एलईडी के लिए मैं चिली बीन रख देता हूँ, वहाँ मर जाएगी। उसके अलावा आइस बग लेटस रख दिए हैं अगर ज़रूरी हो तो। और अब आखिरी में बारी आई इस इलेक्ट्रिक वाले की, कम से कम इसे अब हर लाइन में रख देता हूँ, तब हमारा अटैक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पीछे वाले रिपीटर को मैं खसका के रख दूँगा। वाह भैया मानना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेटेजी भैया। देखिए और ज़ॉम्बी तो आसपास भी भटक नहीं पा रहे, बहुत बढ़िया भैया, अच्छा खेल रहे हैं आप। ओए थैंक यू ऑगी, तू देखता जा बस मेरा प्लान क्या कैसे काम करता है। जैसे ही मैं हर लाइन पे ये इलेक्ट्रिक वाले रख दूंगा, अब आगे आगे मैं वॉलनट रखता जाऊंगा, देखते जा। इन ज़ॉम्बियों को कोई चांस नहीं दूंगा ताकि मेरे प्लांट को खा सके वो, या इस फ्लावर को ट्रैम्पल कर सके। बढ़िया है भैया, देखिए अब हर जगह आपके इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए हैं भैया। और सबसे अच्छी बात है इलेक्ट्रिक वाले की कि तुरंत ही इसमें आप प्लांट फूड डालें तो ये बिजली वाला बादल आ जाता है भैया, जो सबको एक साथ ख़त्म कर देता है, बहुत बढ़िया है ये। ओए हाँ ये तो है, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी में ये मुझे ओपी प्लांट लगा, बहुत ही ओवर पावर्ड है। देख अब तो मेरे पास चार चार प्लांट फूड है, अब कभी भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। देख कितने भी बड़ी वेव आ जाए सबको संभाल लूँगा,
प्लांट वुड ही प्लांट वुड है। अरे भैया क्या बात है, आपके पास चारों के चारों प्लांट वुड है और आपने आराम से जीत लिया। भैया क्या बात है, ये लेवल तो बहुत ही आसानी से आपने क्रॉस कर लिया, बढ़िया है भैया। ओए हाँ ये बात है, देख ये एक और मास्क मिला है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा हमारे प्लांट को अपग्रेड करने के लिए। और देख एक लेवल बाद हमको टॉलनट भी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तब हम आराम से दोनों वॉलनट और टॉलनट के साथ खेल पाएंगे। तो देख इसमें अपग्रेड में क्या मिलता है, 100 कॉइन मिले हैं। ये चिली बीन है लेकिन ये अभी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। ये पी पॉड है, ये भी अभी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। बढ़िया है भैया, पहला लेवल तो आराम से क्रॉस हो गया। देखते हैं अगले बार में कौन सा चैलेंज आता है भैया। ओए प्लान योर डिफेंस एंड डिफीट द ज़ॉम्बीज़, ओके देखते हैं हमें कितने सन मिलते हैं। अरे बाप रे थोड़े खतरनाक ज़ॉम्बी तो हैं ही, तो अभी हमारे पास देखना पड़ेगा सिर्फ 1500 सन है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। पी शूटर तो मैं रखता नहीं लेकिन फिर भी अब जगह है इसलिए रख लेता हूँ। वॉलनट रख लेते हैं, काम आएंगे। लाइटनिंग रीड बहुत काम का है और रिपीटर भी काम का है, बाकी तो मुझे उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते। फिर भी हमें 3 प्लांट चूज़ करने हैं तो कोई से भी चूज़ कर लेता हूँ, हालांकि इनका यूज़ तो मैं करने वाला नहीं हूँ लेकिन फिर भी ऐसे ही रख लेता हूँ। हाँ भैया जल्दी से इस लेवल को भी स्टार्ट करते हैं। अब तो सभी प्लांट आपने ले लिए हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं भैया इसको। ओए ठीक है चल स्टार्ट करते हैं। तो अब चालू हो गए, एक मिनट मुझे डिफेंस रखना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन ट्रॉलीज को भरता हूँ क्योंकि ये काम के हैं, सब में एक एक रिपीटर रख देता हूँ। उसके बाद लाइटनिंग रीड रखूँगा, देखने दे खाली खाली जगह पे रखता हूँ ताकि वो उन पर अटैक कर सके। इन्हें ज़्यादा पीछे रखूँगा तो पता नहीं इनका रेंज है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सामने तो रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा देखने दे मेरे पास 175 सन बाकी हैं, तो एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं इन वॉलनट को रख दूँ तो भी पूरे नहीं हो पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा। इसकी जगह मुझे लगता है कि कोई अटैकिंग प्लांट रखना पड़ेगा। भैया मेरी मानिए तो एक और अटैकिंग ये लाइटनिंग रेड रख दीजिए भैया, हो जाएगा काम। ओए ठीक है अब मुझे लगता है कि मेरा डिफेंस ठीक है, फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। हाँ भैया देखते हैं कि क्या होता है। आने दो ज़ॉम्बी को, हम मजा चखाएंगे भैया उनको। देखिए इतने सारे एक साथ आ रहे हैं, अच्छा है आपके पास स्लाइडिंग रीड है भैया, वरना पता चला इतने मुर्गियाँ हैं भैया। बस एक दिक्कत होगी भैया इस उड़ने वाले बुड्ढे की, भैया ये उड़कर पीछे से आता है तो हमारे पास उसके लिए पीछे वार करने के लिए कुछ नहीं है भैया। अगर डबल हेड वाले ज़ॉम्बी होते तो मजा आ जाता भैया, सॉरी डबल हेड वाले अगर प्लांट होते तो अच्छा लगता। देखिए वैसे आपका लाइटनिंग वाला तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है भैया। ओए हाँ ये तो है, मैं इस पर जैसे ही प्लांट फूड डालता हूँ मज़ा ही आ जाता है, सबके साथ एक बार में मर जाते हैं और कहीं भी हो आगे या पीछे सब जगह ये हमला करता है। वाह भैया ये वाला लेवल तो आराम से आधा भी हो गया भैया। देखिए अब फाइनल वेव आने वाली है, देखिए प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गई, इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं फिर भी आपका डिफेंस बहुत अच्छा है भैया। देखिए ओए हाँ देख रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी आ रहे हैं, कितने सारे हैं, देखिए उड़ उड़ के पीछे पहुँच रहे हैं, अभी तक तो लगता है फाइनल वेव भी नहीं पहुँची है पर ये आते ही जा रहे हैं। बाप रे भैया फाइनल वेव आ गई, देखिए भैया कितने सारे ज़ॉम्बी हैं, बाप रे बाप, अरे बाप रे। लेकिन कोई बात नहीं भैया आपने बहुत अच्छा खेला है अभी तक और आगे भी खेलते रहेंगे। ओए देख अभी तक मेरा एक प्लांट भी तो नहीं गया ना, हाँ ये बहुत गंदा है जो पीछे से आता है, मेरे पूरे प्लांट को खा जाता है, दिक्कत बस इसी से है, बाकी तो मैं आराम से संभाल लूँगा। हाँ भैया और अब कर भी जा सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है भैया कि अगर एक साथ ये पीछे भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि वो घर तक नहीं घुसेंगे बल्कि उल्टी जगह जाएंगे भैया। देखिए आपका एक नॉन मूवर तो चल भी गया, लेकिन अब बाकी ज़ॉम्बी मर गए हैं भैया, बहुत बढ़िया ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया। और फाइनली हमने भैया टॉलनट भी अनलॉक कर लिया, क्या बात है भैया हम इसे आगे के यूज़ कर सकते हैं भैया आगे के लेवल में। ओए हाँ अरे अब तो काफ़ी टफ चैलेंजेस आने लगे हैं, देख इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आना चालू हो गए, फिर भी हमने किसी तरह उनको संभाल लिया और अब देखते हैं अगले लेवल पे क्या होता है। हाँ भैया अभी तक तो हम 19 लेवल तक पहुँच गए हैं भैया, देखिए डोंट लूज मोर देन 2 प्लांट्स, स्पेंड नो मोर देन 2000 सन्स।
ओए ठीक है, ये मैंने पहले भी किया है, इस बार भी कर लेंगे। रुक जा, पहले सनफ्लावर लेना पड़ेगा, फिर ट्विन सनफ्लावर लेना पड़ेगा, उसके बाद सोचने दे, हमको भी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए ना ही इसमें वॉलनट का काम है, ना ही आइसबर्ग लेटिस का, ऐसे कोई प्लांट यूज़ नहीं कर सकते जिनको खाकर प्लांट ख़त्म हो जाए। हमको चिली बीन भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ अटैकिंग प्लांट रखने पड़ेंगे, यानी कि लाइटिंग रीड रख लेता हूँ, साथ में ये रिपीटर रख लेता हूँ, और ये स्प्लिट पी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये उड़ने वाले जो ज़ॉम्बी हैं वो आ जाएंगे। आइसबर्ग लेटस नहीं रख सकता क्योंकि वो जमने के साथ ख़त्म हो जाता है। टॉल नट रख सकते हैं और वॉलनट रख सकते हैं। चल अब इस कॉम्बिनेशन से खेल के देखते हैं कि क्या होता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमको 2000 सन से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो ऊपर एक मीटर भी लिखा हुआ है, अभी हम 1950 सन यूज़ कर सकते हैं, और दो प्लांट है जो लेफ्ट है, यानी कि दो प्लांट हम वेस्ट कर सकते हैं। भैया ये लेवल भी थोड़ा हार्ड है भैया, क्योंकि इसमें दो वेव आने वाली है। देखिए एक ज़ॉम्बी आ रहा है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से एक रिपीटर रख लेते हैं और अटैक करते हैं भैया। ओ ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें हमको 2000 सन से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो हमको सनफ्लावर भी उतने ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। एक ट्विन सनफ्लावर रख लेता हूँ बस, इसके बाद अब मैं सनफ्लावर नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ही इतने सन काफ़ी होंगे जो हमको मिल रहे हैं। अब मैं इन पे और ज़्यादा सन खर्चा नहीं करूँगा, अब सिर्फ अटैकिंग प्लांट लूँगा। और देख जैसे LED आ रही है, यहाँ पर मुझे एक रिपीटर और रखना पड़ेगा, तो अब रिपीटर्स की पूरी लाइन लगानी पड़ेगी मुझे। हाँ भैया संभल के खेलिए भैया, क्योंकि 1425 सन लेफ्ट है, तो हर जगह पहले इन रिपीटर्स को रख दीजिए भैया। बढ़िया है, बाकी आपका वो स्लाइडर वाला तो काम कर ही रहा है भैया। बढ़िया है, अच्छा खेल रहे हैं भैया आप। ओए रुक, सोचने दे, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा सन खर्चा करने का कोई वक्त नहीं है। तो यहाँ पर अब डबल हेड वाले रखना चालू करता हूँ, क्योंकि क्या पता कहाँ से उड़ के आना चालू हो जाए। अगर वो उड़ के आना चालू हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि वो अगर हमारे सनफ्लावर को खा गए तो केवल दो ही सनफ्लावर खा पाएंगे, वरना ये लेवल हम हार जाएंगे। ठीक है भैया, बढ़िया है। देखिए अभी आप सब जगह आपके तीन रिपीटर तो हो गए भैया, और एक एक्स्ट्रा रिपीटर है जो आपका स्लाइडर वाला है भैया। ओए हाँ मैं सोच रहा हूँ, सोचने दे मुझे, क्योंकि अभी लगातार और ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, और अभी मैंने सिर्फ डबल हेड वाला जो सनफ्लावर है, सॉरी प्लांट है, उसको एक ही जगह रखा हुआ है। अभी सब जगह रखने पड़ेंगे। अभी देख हमारे पास कितने सन बाकी है, 650 सन बाकी है। बस उस मीटर पे ध्यान रखे रहना कि हमको कितना और खर्चा करना है। हाँ भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बताता जाऊँगा भैया कितने सन बाकी है, ताकि आप टाइमली इनको खर्चा कर सके भैया। ओए ठीक है, आप केवल 475 बाकी है, यानी कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। देख अब मैंने तीन जगह पर ये स्प्लिट पी वाले रख दिए हैं, जो आगे और पीछे दोनों हमला करते हैं, और मुझे इसी टाइम का वेट था, तुरंत ही इस पे मैंने सनफ्लावर यूज़ कर दिया, सॉरी प्लांट फूड यूज़ कर दिया। अब जल्दी जल्दी जहाँ पर मेरे ये लगे नहीं हैं वहीं पर मैं लगाना चालू करता हूँ। भैया ध्यान दीजिएगा, केवल 225 सन ही यूज़ कर सकते हैं आप, अब आपके पास ज़्यादा चांस नहीं है भैया, केवल 100 सन ही बाकी हैं, अब कोई भी प्लांट नहीं लगाइएगा भैया, वरना हम यह लेवल हार जाएंगे। ओए ठीक है, अभी तक हमारा कोई भी प्लांट गया नहीं है, तो हम अच्छा खेल रहे हैं, और साथ में हमने वह लिमिट, जितना लिमिट है उतना ही सन यूज़ किया हुआ है। अब वक्त आ गया है प्लांट फूड यूज़ करने का, क्योंकि हमारे पास चार की चार रखे हुए हैं, और बाकी तो हमने बहुत बढ़िया यूज़ किया हुआ है। वाह भैया लगता है हम ये लेवल भी पार कर गए, क्या बात है, बस एक ज़ॉम्बी ही बाकी है, उसमें प्लांट फूड यूज़ करके उसे भी ख़त्म कर दिया, क्या बात है भैया, ये लेवल भी आराम से पार हो गया, और इसके जो दो चैलेंजेस थे उसको भी हमने पूरा कर लिया भैया। ओए हाँ ये वाला लेवल भी पार हो गया, यानी हमने डे 19 को क्रॉस कर लिया है। अभी डे 20 आ रहा है, इसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 और 25 बस इतने ही लेवल बाकी हैं, उसके बाद हम फाइनली फाइट करेंगे ज़ॉम्बी बॉस से। हाँ भैया चलिए अब आगे खेलना चालू करते हैं। अरे भैया ये लेवल तो थोड़ा हार्ड लगता है भैया। ओए ये क्या, यहाँ तो ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ हैं, और अभी यहाँ से एक ज़ॉम्बी आ रहा है, तो हमारे पास एक पी शूटर है, उसको यहाँ रख देता हूँ।
ओ ये लेवल थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लांट रखने के लिए बहुत ही कम जगह है, बस इन ट्रॉलीज में ही रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी पहला जॉम्बी था तो ये तो आसान था। अभी हमें वॉलनट मिला है और दो जॉम्बी आ रहे हैं, तो वॉलनट को यहाँ रख देता हूँ और पी शूटर को यहाँ रख देता हूँ। जब तक वो दूसरा जॉम्बी वॉलनट खाता रहेगा तब तक एक जॉम्बी मर जाएगा, फिर उसे मैं स्लाइड करके दूसरी जगह रख दूंगा। पता नहीं आगे और कौन कौन से प्लांट आने वाले हैं, तो जॉम्बी तो आते ही जाएंगे। अभी दो गेट खुले हैं, अगले बार तीन गेट खुलेंगे, तो ऐसे करके हमको खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ भैया, थोड़ा ट्रिकी तो लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं भैया, हम कर लेंगे। देखिए एक माइन है भैया और एक बकेट हेड वाला आ रहा है, तो इसको बकेट हेड के सामने रखेंगे भैया ताकि वो ब्लास्ट हो जाए। ओए ठीक है, जो सिंगल सिंगल जॉम्बी आ रहे हैं उनके सामने इस पी शूटर को रखता हूँ और जैसे जैसे वो मरते जाएंगे इसे स्लाइड करता जाऊँगा। तब तक के वो पोटेटो माइन वाला तैयार हो चुका है, जैसे ही बकेट हेड वाला जॉम्बी उस पर आएगा वो उसे ब्लास्ट कर देगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। देखिए बकेट हेड वाला तुरंत मर जाएगा, तब तक कि आप इस पर हमला करेंगे भैया। ओए ठीक है, अगले बार अब चार गेट खुलेंगे। अब इसके लिए दिक्कत है क्योंकि हमारे पास एक सिंगल पी शूटर है, ये अकेला क्या कर लेगा। अगर मेरे पास रिपीटर होता तो थोड़ा काम बन जाता। ओए कोई बात नहीं, अभी सिर्फ दो ही गेट खुले हैं, ये अच्छी बात है। तो चिली बीन को अभी मैं संभाल के रखता हूँ, बाद में इनको यूज़ करूँगा। अभी जहाँ पर जॉम्बी आ रहे हैं पहले उनका अटैक करता हूँ। अभी दो जॉम्बी एक साथ आ रहे हैं जिसमें से कोल एक कोन पहने हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन लोग वॉलनट खा रहे हैं। जब तक वो वॉलनट खाते रहेंगे तब तक कि मैं इसे स्लाइड कर देता हूँ। दोनों ने वॉलनट खा भी लिया, बाप रे। अब चिली भी यहाँ रख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ भैया, मुझे लगता है कि अगर ये कोन हेड वाला उसे खा ले तो फिर अच्छा होगा भैया, क्योंकि कोन हेड को मारने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सिंगल हेड वाला जल्दी मर जाएगा भैया। ओए सोच तो मैं भी रहा हूँ, चल देखते हैं कौन खाएगा। अरे उस कोन हेड वाले ही खाया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। और वाह, हमको रिपीटर मिले हैं, लेकिन इस बार तो हर जगह से जॉम्बी आ रहे हैं, दिक्कत की बात है। कोई बात नहीं, हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे जैसे जॉम्बी मरते जाएंगे तुरंत तुरंत स्लाइड करना पड़ेगा इसे। कोन वाले जॉम्बी के लिए रिपीटर काफ़ी है, तो उसे स्लाइड करता जाऊँगा उन दोनों को मारने के लिए। बाकी सिंगल वाले को तो ऐसे ही संभाल लेंगे। हाँ भैया, बढ़िया है, अच्छा खेल रहे आप। बस ये डबल हेड वाला यानी कि कोन हेड वाला जो है वो मर जाए तो फिर काम बन जाएगा भैया, बाकी इस पे तो हम अटैक कर ही रहे हैं भैया। ओ इस लेवल को इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है, इतना आसान नहीं लग रहा है मुझे। हाँ भैया, देखते हैं। अब तो चार गेट है भैया, जिसमें से एक ये बकेट हेड वाला है, तो बकेट हेड के सामने तो हमने ये पोटेटो माइन रख दिया है भैया, बाकी को ऐसे ही संभालते हैं। तो ये भी उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये डबल हेड वाला तुरंत मार दिया भैया, ये रिपीटर ने उसे मार दिया। अभी नीचे से दो जॉम्बी आ रहे हैं, उसके लिए भी आपने वहाँ रिपीटर लगा दिया, बहुत बढ़िया भैया। ऊपर भी संभाल लिया, नीचे भी संभाल लिया। अब बस बीच वाला जो है बकेट हेड वाला, ये पोटेटो माइन से मर जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। ओए ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अभी देखते हैं अगले लेवल पे क्या होता है। तो हमारे पास एक और रिपीटर मिला, बढ़िया है। तो अब एक काम करते हैं, बकेट हेड वाला बहुत मुश्किल है, तो पहले एक काम करते हैं, जहाँ सिंगल सिंगल वाले जॉम्बी आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी मारना चालू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ऊपर वाला मर गया, अब बीच में दो दो वाले आ रहे हैं, उनको भी संभालना पड़ेगा। अब मैंने इसे स्लाइड कर दिया, सबके सबकी अटैकिंग अब मुझे रखनी पड़ेगी इस बकेट के वाले के सामने, तभी ये मर पाएगा जल्दी। अरे ये बहुत पास आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास दो रिपीटर और एक सिंगल शूटर है, तो इसका काम ख़त्म हो गया। अरे भैया, इस बार कोकोनट मिला है भैया, ये बढ़िया है। देखिए ये प्लांट सबसे अच्छा है भैया, इसको तुरंत इस बकेट हेड वाले के सामने रखिए भैया। वाह, लेकिन ये क्या भैया, वो तो एक बार में मरा ही नहीं। अरे बहुत टफ है, एक बार में मरा नहीं, वो भी कोकोनट वाले से, और वो तो ढेर हो गया भैया, उसको तुरंत जागना होगा। अरे भाई जाग जा, देख तेरे सामने ये बकेट हेड वाला है, जल्दी से आ जा भाई। अरे आ गया भैया, टाइमली आ गया, मैं तो सोचा हम मर जाएंगे। ओए कोई नहीं, अभी सभी लेवल से अलग अलग जॉम्बी आ रहे हैं, अब मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या करूं। हाँ भैया, ये तो मुश्किल वाला है भैया, क्योंकि देखिए कितने सारे जॉम्बी अक्सर आ रहे हैं, हम कहाँ कहाँ और किसके बीच में लड़ाई करेंगे भैया। मुझे लगता है कोकोनट वाले को इन दोनों जॉम्बी को मार देते हैं। वाह भैया,
ये दोनों ज़ॉम्बी एक साथ मर गए, बहुत बढ़िया है। अब बाकी ज़ॉम्बियों के ऊपर अटैक करते हैं, बाकी तो सिंगल सिंगल है, आराम से जीत जाएंगे भैया। हाँ बढ़िया है, ये वाला भी हो गया। अभी देखते हैं फाइनल वेव आने वाली है और बकेट हेड वाले इतने सारे आ रहे हैं भैया, और हमको एक और ये रिपीटर मिला है भैया। देखिए ये अब तो उसमें मुर्गी वाली भी है भैया। अरे बाप रे कितने सारे एक साथ है। ओ ये गंदी मुर्गियाँ, मेरे कोकोनट वाले के अटैक को उन्होंने फेल कर दिया। उन मेरा कोकोनट वाला तो मुर्गियाँ ही मारता रह गया। अरे बाप रे अभी तुरंत एक्टिव करना पड़ेगा, कितने सारे एक साथ आ रहे हैं, जल्दी आ जा, तुरंत ही मारना चालू करता हूँ। और ये ब्लास्ट हुआ, अच्छा हुआ ज़ॉम्बी मर गए। अभी बस ये बकेट हेड वाला बाकी है, वो अगर खा ले बहुत बढ़िया, और वो खा लिया और जीत गए। बढ़िया है मुन्ना, चिली बीन ने काम कर लिया, यानी कि ये लेवल भी ख़त्म हो गया। क्या बात है, इस लेवल को भी हमने जीत लिया। ओए लेकिन ये क्या मिला है, ये पत्ते जैसी चीज़ क्या है? अनलॉक विंटर मेलन, 4 लेवल बाकी है। ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ है, मुझे देखने दे। इंस्टेंट रिचार्ज, इंस्टेंटली रिफ्रेश पैकेट सीड बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ओके पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। सर्वाइव द ज़ॉम्बी अटैक हो गया, अभी आगे देखते हैं कि अगला कौन सा चैलेंज मिलता है। अरे भैया स्पेंड नो मोर देन 1750 सन, और साथ में हमको इन फ्लावर्स को भी बचाना है। बढ़िया भैया, बहुत मुश्किल टास्क है लेकिन करना पड़ेगा। देखिए तो उसके लिए सनफ्लावर, फिर 2 सनफ्लावर रख लेते हैं, एक रिपीटर रख लेते हैं, आइसबर्ग लेटिस काम का है भैया। उसके अलावा वॉलनट तो रखना ही पड़ेगा भैया, और हमको जो नया टॉल नट मिला है उसको भी रख लेते हैं, और ये स्प्लिट पी भी रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा भैया, चलिए खेलते हैं। टॉल नट हमने नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाना चाहिए भैया इतना में। ओए पिछले बार तो 2000 सन थे, अभी 750 हो गए, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हमको खर्चा करना है। देख हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, हमको सनफ्लावर उतने ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उतना खर्चा करना नहीं हमको, और ये 0 का है तो आइसबर्ग लेटिस इसमें काम का है। तो अभी एक काम करते हैं, जैसे जैसे हमारे वॉलनट एक्टिव होते जाएंगे हम वॉलनट लगाते जाएंगे, और सिर्फ यही 2 जगह है जिस पे हम ये रिपीटर रख सकते हैं, तो जल्दी से रिपीटर रख दिया। अरे बाप रे एक और ज़ॉम्बी आ रहा है, पर कोई बात नहीं उसको भी फ्रीज कर देते हैं। हाँ भैया बढ़िया है, देखिए आपका एक और वॉलनट एक्टिव हो गया है, तुरंत लगा दीजिए भैया। बस फिर से इसमें ध्यान देने की बात है भैया कि अभी आपके पास 1375 सन बाकी है, जितना यूज़ कर सकते हैं, तो जल्दी से भैया एक रिपीटर और रख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए एक रिपीटर और आ गया, अब आपके पास 2 रिपीटर हो गए भैया। ओए हाँ ये तो है, अब 2 जगह रिपीटर हो गए। आइसबर्ग लेटिस यहाँ रख देता हूँ, अब एक और वॉलनट एक्टिव हुआ है इसको भी लगा देता हूँ, मुझे कम से कम 5 वॉलनट तो चाहिए ही चाहिए। और ये उड़ने वाला ज़ॉम्बी आ गया, ये ही परेशान करेगा क्योंकि ये पीछे से भी आ सकता है, बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने ये स्प्लिट पी रख लिया है, कम से कम ये हमारा काम करेगा। ओए मुझसे फ्रीज करना चाहा लेकिन उसने उछल गया वहाँ से। कोई बात नहीं भैया, देखिए बढ़िया है, अभी आप 2 ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया, उनके सामने रिपीटर रख दिया, बहुत बढ़िया भैया। अभी वॉलनट आपके एक्टिव होते जा रहे हैं, बस एक ही जगह बाकी है भैया जहाँ पर आपके वॉलनट नहीं लगे हैं, तो थोड़ा ध्यान से खेलिएगा भैया। ओए हाँ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सनफ्लावर भी इसलिए नहीं लिए क्योंकि उन पे मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, और अभी एक जगह बाकी था तो यहाँ भी मैंने रिपीटर रख दिया है। ओए अभी 800 सन बाकी है, ठीक है एक वॉलनट और रख दिया, और फाइनल वेव भी आ गई, क्या बात है। हाँ भैया देखिए फाइनल वेव आ गई, अब ये इलेक्ट्रिक वाला आप यूज़ कर सकते हैं भैया। अभी भी आपके पास 600 सन बाकी है, जल्दी यूज़ कीजिए भैया, कितने सारे हैं देखिए, जल्दी से एक प्लांट फूड भी यूज़ कर लीजिए भैया। ओए ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन में बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, उनके लिए यूज़ करना बनता था। अब ये देख ये पीछे से आ रहा है, ये एक बड़ी मुश्किल बात हो गई। देख इसके लिए तो मैंने यूज़ कर लिया, अभी बस एक ज़ॉम्बी बाकी है जो पीछे से आ रहा है, उसके लिए जल्दी से मुझे ये प्लांट डबल हेड वाला रखना पड़ेगा, उसके बाद उसमें प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा, तब जल्दी से हम जीत पाएंगे। तो ये रखा और ये जीत गए। क्या बात भैया, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप हर चैलेंजेस को एकदम आसानी से पार करते जा रहे हैं भैया, मज़ा आ गया। ये लेवल भी हमने आराम से पार कर लिया, Day 21 ख़त्म हो गया भैया, अभी Day 22 की बारी है, इसके बाद 23, 24, उसके बाद फाइनल ज़ॉम्बी बॉस।
और इस चैलेंज की सबसे अच्छी बात थी भैया कि आपके 500 सन फिर भी बाकी थे, आपने केवल 1250 सन में अपना काम कर लिया भैया, बढ़िया है। देखिए सर्वाइव द ज़ॉम्बी अटैक विद द गिवन प्लांट्स, देखते हैं भैया इसमें क्या होता है। ओए देखो तो ज़ॉम्बी तो खतरनाक है, लेकिन हमको कौन कौन से प्लांट मिले हैं। ओके सनफ्लावर मिला है, तो इसे तो खाली जगह पे रख देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक रिपीटर है, उसके अलावा एक ब्लूम रैंग है, और उसके अलावा आइसबर्ग लेटेस है, और एक पोटेटो माइन दिया हुआ है। बाकी आइसबर्ग आइस मेलन का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है ना कि हमको इतने ही सन यूज़ करने हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा चैलेंज तो नहीं है ना, बस हमको इन्हीं प्लांट से खेलना है बस। ठीक है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया देखिए ऊपर से एक ज़ॉम्बी और आ रहा है, जल्दी स्लाइड कीजिए भैया। देखिए मैं तो बोलता हूँ आइसबर्ग लेटेस रख दीजिए, जमा दीजिए उसको, लेकिन और भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उनके लिए रखना ज़रूरी है भैया। देखिए अभी आपके पास केवल एक ही रिपीटर है, दूसरा भी यहाँ लगाना पड़ेगा। अब सही है भैया। ओए रिपीटर्स को तो मैं इन मूवेबल वाले ट्रॉली में रखूँगा ताकि हमारा काम बन जाए। तो देख अभी 4 सनफ्लावर मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, अब बाकी के लिए अब मैं ये सन पे ऊपर डिपेंड करता हूँ। अब देखते हैं आइसबर्ग लेटिस लगाता जाता हूँ, और यहाँ पर भी मेरा एक रिपीटर हो गया, अब 3 जगह मेरे रिपीटर हो गए। हाँ भैया बाकी के लिए आपने आइसबर्ग लेटिस रख लिया है, बहुत बढ़िया भैया। देखिए एक बकेट हेड वाला आ रहा है, पोटेटो माइन भी रख दिया आपने, बहुत बढ़िया भैया। ओए मेरे 3 जगह से ये तो काम करेंगे, लेकिन बाकी जगह के लिए मुझे रखना पड़ेगा, तो नीचे एक रख देता हूँ। अब सही है, अब डबल हेड वाले को यहाँ अटैक करना चालू करता हूँ। ओए यहाँ भी एक आ रहा है, उसके लिए भी एक रखना पड़ेगा। अब ठीक है बकेट हेड वाला भी जल्दी मर जाएगा, और अब ये स्टील वाली आ रही है, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने सबसे ऊपर भी एक रिपीटर रख दिया है, तो देखते हैं इसको जमा देता हूँ। बढ़िया है भैया, सही खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं भैया। देखिए प्लांट फूड भी मिलता जा रहा है, तो जब आपको लगे कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी से प्लांट फूड यूज़ कर लीजिएगा भैया। देखिए कितने मुर्गे आ रहे हैं भैया, बाप रे बाप। ओ ये तो अभी पहला ही ह्यूज वेव है, अभी दूसरा बाकी है। अभी ये लेवल में देखते हैं कितने कितने और आते हैं, अभी जैसे जैसे मेरे सन आते जाएंगे मैं इन रिपीटर्स को रखता जाऊँगा। अभी मुझे इलेक्ट्रिक वाले भी रखने पड़ेंगे, या ना वरना ये मुर्गियाँ बहुत परेशान करेंगी। अब लगभग हर लेवल पे मेरी ये रिपीटर रख गए हैं, और जहाँ भी मुर्गियाँ ज़्यादा दिखेंगी मैं इन सबसे पीछे वाले रिपीटर को खसका दूंगा। देख अभी भी कितने ज़ॉम्बी आ रहे हैं, और प्लांट फूड भी हमें मिलता जा रहा है, 3 प्लांट फूड हो चुके हैं। अब मेरे सबसे आगे वाले लाइन पे 3 मतलब एक लाइन पूरी रिपीटर की रख चुकी है, अब ज़रूरत के हिसाब से मैं पीछे वाले को स्लाइड कर सकता हूँ। और प्लांट फूड तो हमारे पास है ही, सबसे ऊपर वाले में मुझे रखना पड़ेगा। और ये बढ़िया है, अच्छा हुआ सही टाइम पे हमने प्लांट फूड यूज़ कर लिया। नीचे ये बकेट हेड वाला आ रहा है, तो ये भी चला गया। अभी देख मुझे लगता है फाइनल वेव आने वाली है। हाँ भैया किसी भी वक्त फाइनल वेव आ सकती है, तो ये अच्छा किया भैया आपने, लगातार इनको रखते जा रहे हैं, और लाइटनिंग रीड तो हमारे पास है नहीं भैया, इसलिए इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जल्दी से प्लांट फूड यूज़ कीजिए भैया, और पीछे वाले को भी मारिए, देखिए पास आते जा रही है वो। देखिए आपके पास 3 प्लांट फूड हो चुके हैं, बढ़िया है भैया, अच्छा निशाना है। देखिए कितनी सारी मुर्गियाँ आ रही हैं, इनको टाइम से मारना पड़ेगा, वरना ये नुकसान पहुँचा सकती हैं भैया। अब नीचे वाले में भी जल्दी से आप प्लांट फूड यूज़ कर लीजिए, बढ़िया है, और ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया भैया। ओए देखा ना मुन्ना, ये भी आराम से क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब डे 22 भी ख़त्म हो गया, अब बस डे 23 एंड 24 बाकी है। बस ये दो लेवल को हमें क्रॉस कर लूँ, तो फिर आराम से हम ज़ॉम्बी बॉस से सामना करेंगे। हाँ भैया ये तो है, देखिए हमको एक और मिला है भैया, इसको देखते हैं कि क्या क्या अपग्रेड करेगा। तो 100 सिक्के ही मिले केवल भैया, और ये मेलन पल्ट मिला है, तो ये भी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। ये स्प्रेड पी मिला है भैया, तो ये भी अभी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, पर कोई बात नहीं भैया, इसका लेवल तो बढ़ गया, तो सर्वाइव द ज़ॉम्बी विद गिवन प्लांट्स तो हो चुका भैया, बढ़िया है। अब अगले लेवल पे देखते हैं भैया क्या चैलेंजेस आते हैं। डोंट लेट द ज़ॉम्बी ट्रैम्पल द फ्लावर्स, डोंट लूज मोर देन 2 प्लांट्स, ओके दो चैलेंजेस है भैया, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ओए देखना पड़ेगा, इसमें भी टफ ज़ॉम्बी है, पर कोई बात नहीं, पहले सनफ्लावर लेते हैं, फिर ट्विन सनफ्लावर लेंगे, उसके बाद रिपीटर रखते हैं, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि वॉलनट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलनट भी रख लूँ, और उसके ऊपर मैं क्या रख सकता हूँ। अब इसमें
उड़ने वाला ज़ॉम्बी तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइटनिंग रीड रख लेते हैं। उसके बाद देखूं कौन सा रखना पड़ेगा, बाकी किसी से उतना कुछ मतलब नहीं है, बस इन वॉलनट्स को रख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ भैया देखिए, 2 स्लॉट बाकी है, मतलब 3 स्लॉट बाकी है, इसमें आप कौन कौन से प्लांट रख सकते हैं? अभी मुझे तो केवल यही समझ में आ रहा है भैया कि वॉलनट टॉलनट दोनों रख लीजिए, उसके बाद बाकी आइसबर्ग लेटिस तो रख नहीं सकते भैया, क्योंकि हमको केवल 2 ही प्लांट को सर्वाइव कराना है, मतलब 2 ही प्लांट को हम खर्चा कर सकते हैं, तो बोंग चॉय रख लेते हैं। चलिए वैसे भी इसका यूज़ नहीं है लेकिन रख ही लेते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया, पहले सनफ्लावर लगाना चालू करते हैं। और इसमें भी सेम रूल रहेगा, जैसे जैसे हमारे वॉलनट एक्टिव होते जाएंगे हम सबसे पहले इन फ्लावर्स के सामने उसे रखते जाएंगे, उसके बाद ही हम अटैकिंग प्लांट रखेंगे। देखते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा फ्लावर्स को ट्रैम्पल कर सके, तो अभी एक्टिव हो चुका है तुरंत ही, सबसे पहले रिपीटर रख दिया मैंने, उसके बाद अब वॉलनट रखना चालू करता हूँ। देख अभी नीचे से भी आना चालू हो रहे हैं, तुरंत इसको स्लाइड करता हूँ, 2-2 रिपीटर तो मुझे रखने ही पड़ेंगे, उसके बाद आगे देखूँगा मैं। देख एक के बाद एक जॉम्बी आ रहे हैं, अभी जैसे जैसे मेरा वॉलनट और टॉलनट एक्टिव होगा उसके हिसाब से मैं करूँगा। हाँ भैया देखिए वो खून वाला जॉम्बी भी आ रहा है, तो अच्छा किया आपने भैया उसके सामने ये वॉलनट रख दिया। देखिए भैया अभी आपके पास सनी 100 ही सन है, देखिए आपको जल्दी से इन सनफ्लावर भी रखना पड़ेगा ताकि आप एक्टिव कर सके। और देखिए भैया पहले समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास सन भी नहीं है और आप सनफ्लावर लगा भी नहीं सकते, बाप रे तुरंत तुरंत लगाइए भैया, आप सही लग रहा है मुझे। ओ ये थोड़ा ट्रिकी तो है, क्योंकि हम सनफ्लावर नहीं लगा पा रहे हैं और हमारे पास अभी तक केवल 2 ही प्लांट है और जो अटैक करने वाले हैं, और मैंने जैसे जैसे मेरा एक्टिव होता जा रहा है वैसे वैसे मैं टॉलनट और वॉलनट को रखता जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अटैकिंग के लिए 1 लेयर और लगाना पड़ेगा। अब 1 सनफ्लावर लगा ही देता हूँ क्योंकि हमें सन की बहुत ज़रूरत है, उसके अलावा अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि एक जगह और बाकी है वहाँ पर भी 1 टॉलनट रख देता हूँ, अब सही लग रहा है मुझे। भैया ये तो आपकी डिफेंस की बात हुई भैया, डिफेंस तो पूरा हो गया लेकिन अभी अटैक काफ़ी कमज़ोर है भैया, अटैक के लिए भी कुछ करना पड़ेगा आपको। देखिए अभी सब जगह से ज़ॉम्बी आना चालू हो रहे हैं, अच्छा कि आपने लाइटनिंग रीड रखना चालू कर दिया भैया, दूसरे में भी रखिएगा, अभी आपका थोड़ा सा फ्लावर तो सेफ है भैया लेकिन बाकी चीज़ के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है भैया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी अटैक नहीं कर सकते, तो यहाँ 1 रिपीटर रख दिया, बहुत बढ़िया भैया। ओए सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी तो केवल पहला ही ह्यूज वेव आ रहा है, दूसरे ह्यूज वेव के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी एक काम करते हैं कि पीछे तो हमारे पास जगह नहीं है, आगे के लिए ही करते हैं, आगे के लिए मैं अब दूसरी लाइन लगाना चालू करता हूँ और उसके पीछे में मैं अटैकिंग प्लांट रखना चालू करता हूँ, क्योंकि अभी अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। हाँ भैया समझ गया, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं और केवल 2 ही प्लांट अटैकिंग रहेंगे तो उतना काम नहीं हो पाएगा भैया, आपको कुछ सोचना ही पड़ेगा, जल्दी कीजिए भैया। ओए रुक जाओ, ओए कुछ सोचने का मौका दे तब तो, देख कितने सारे एक साथ आ रहे हैं और स्लाइड करते करते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पर किस प्लांट को रखूँ, तो एक काम मुझे करना ही पड़ेगा, थोड़ा आगे तो जाना ही पड़ेगा। अभी एक काम करता हूँ, इनको तो मैंने जला दिया, उसके बाद अब थोड़ा कुछ अल्टरनेट रखना ही पड़ेगा। भैया नीचे वाले हिस्से में देखिए भैया कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। ओए देख मैंने चालू भी कर दिया पहले लाइन पे, अब मैं रखना चालू कर रहा हूँ इन वॉलनट्स को, और वॉलनट्स के सामने या टॉलनट्स के पीछे में मैं अब अटैकिंग प्लांट रख रहा हूँ, तो अब सही लग रहा है ना। हाँ भैया सेकेंड लाइन ऑफ अटैक जरूरी था भैया, इसके बिना काम नहीं बनता। ओए ठीक है देखिए अब सही चल रहा है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है भैया अभी तक सही चल रहा है, अब जल्दी से आप एक और वॉलनट या टॉलनट रख दीजिए भैया, और उसके आगे मतलब उसके पीछे में एक और अटैकिंग प्लांट रख दीजिए। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं और आपके पास प्लांट फूड भी अब ख़त्म हो गए हैं, अभी एक मुश्किल से मिला है भैया। देखिए अब फाइनल यूज भी आना चालू हो गई है, देखिए लाइटनिंग रीड रहे तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब देखिए भैया आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत अच्छा हो गया है, देखिए अब आपके पास अटैकिंग प्लांट भी है भैया और ये सबको मारते जा रहे हैं, ये सबसे अच्छा था भैया, ये आपको पहले ही कर लेना था लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है भैया, कंप्लीट हो गया और ये लेवल भी हमने आराम से पार कर लिया भैया, यानी कि 223 भी ख़त्म हो गया।
अब केवल एक ही लेवल बाकी है भैया। इस लेवल को हम क्रॉस कर लें तो फिर आखिरी में सांभी बॉस से लड़ाई होगी भैया। क्या बात है, हमने तो हर लेवल को आराम से पार कर लिया भैया, कोई मुश्किल नहीं हुई। आपकी स्ट्रेटजी कार्ड भैया बहुत अच्छा। ओए ठीक है, सोचने दे, अभी अगला लेवल कैसा होगा। अगर हार्ड हुआ तो कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ये लेवल तो आराम से क्रॉस हो गया, अभी अगला लेवल देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। हाँ भैया, पता नहीं कैसा चैलेंजेस वेट कर रहे हैं। ओके भैया, सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड प्लांट भैया। अरे बाप रे, ये तो वॉलनट है। अरे वो भी कितने आगे हैं भैया। देखना पड़ेगा भैया इसके लिए क्या करें। जल्दी से सनफ्लावर, ट्विन सनफ्लावर, फिर वॉलनट रखते हैं, फिर रिपीटर रखते हैं, आइसबर्ग लैटिस रखते हैं, लाइटिंग रख देते हैं। अब सही लग रहा है भैया, ये सही है। ओ ये काफ़ी डिफिकल्ट है, इसके लिए सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। चल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सनफ्लावर रखते हैं, फिर देखते जाते हैं क्योंकि हमको तुरंत इनको बचाना भी है। इनकी पोजीशन ऐसे रखनी पड़ेगी कि इनके आगे एक वॉलनट तो कम से कम आ सके। ज़रूरत पड़ी तो एक से दो वॉलनट भी रख देंगे, लेकिन इनको मरने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक जॉम्बी आ रहा है, उसके लिए आइसबर्ग लैटिस रख दिया मैंने। अब जब तक ये फ्रीज होता है, अभी एक को खसका के देखिए, सबसे ऊपर वाले को मैंने यहाँ पर एक वॉलनट रख दिया है। अब दूसरे वाले की पोजीशन ऐसे रखता हूँ, उसके सामने जैसे ही एक्टिव होगा दूसरा भी वॉलनट रख दूँगा। तो तब तक के मैंने यहाँ पर एक और ट्विन सनफ्लावर रख दिया है। अब यहाँ पर एक रिपीटर रख लगाना चालू करता हूँ। सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना पड़ेगा। एक तुरंत मेरा एक्टिव हुआ है वॉलनट, लेकिन अभी मैंने सनफ्लावर रखा हुआ है। अब तुरंत ही दूसरे के पीछे में ये वॉलनट रख दिया। देख अगर हमारे पास स्लाइडर वाला आता तो कम से कम हम एक काम कर सकते थे कि यहाँ पर रिपीटर रख देते, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जब तक वो ज़ॉम्बी खाने में बिजी है, तब तक कि मैं एक काम करता हूँ, इसको फ्रीज कर दिया मैंने। अभी दूसरे वाले के सामने भी ये रिपीटर रखना चालू करता हूँ। अब सही है, अभी दो जगह मेरे वॉलनट रख दे हैं, अब तीसरे जगह भी मैंने वॉलनट रख दिया। वाह भैया, आपने तो पहले ही एंडेंजर्ड प्लांट के सामने एक एक करके वॉलनट रख दिए हैं भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं। अभी दो जगह आपके रिपीटर बाकी है, बस उसका ध्यान दीजिएगा भैया। ओए हाँ मुझे याद है, मैं भी वही देख रहा हूँ कि कहीं ये मुर्गियाँ मेरा खेल ना बिगाड़ दे। मैंने एक जगह और रिपीटर रख दिया, अभी मेरे पास प्लांट फूड आ रहा है, प्लांट फूड रख लेता हूँ। और यहाँ पर लाइटिंग रीड रख दिया मैंने उसके जस्ट पीछे में। मुर्गियाँ मेरा वॉलनट खा ली, लेकिन सही टाइम पे मैंने वहाँ पर टॉलनट रख दिया। ऊपर में थोड़ा दिक्कत है, वहाँ पर भी जल्दी से एक रिपीटर रखना पड़ेगा। हाँ भैया देखिए, एक काम कीजिए भैया, अभी लाइटनिंग रीड रख दिया, बहुत बढ़िया भैया। लाइटनिंग रीड बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुर्गियाँ हर तरफ से आ रही है भैया, उनको मारना ज़रूरी है। ओए पहला ह्यूज वेव आ गया, और तैयारी देखते हैं। यहाँ पर एक रिपीटर रख दिया, बहुत बढ़िया। अभी सब लाइन पे मेरे एक रिपीटर हो गए। अभी मुझे एक तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मेरा वॉलनट ख़त्म ना हो जाए। अभी ज़रूरत पड़ी तो दो दो लेयर भी रख दूँगा, जैसे कि मैंने सेकंड वाले में रखा हुआ है। बढ़िया है भैया, देखिए अच्छा खेल रहे हैं। बस एक प्लांट फूड यूज़ कीजिए भैया, वो बैल आ रहा है भैया, इसको जल्दी से मारना पड़ेगा। अच्छा हुआ जल्दी से मर गया। देखिए अब आपका ये लाइटनिंग रीड भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है भैया। अच्छा किया भैया आपने यहाँ पर लाइटनिंग रीड रख दी, और यहाँ पर एक वॉलनट भी रख दिया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन नीचे वाला वॉलनट ख़त्म हो गया भैया, अच्छा हुआ टाइम से आपने वहाँ पर टॉलनट रखा। नहीं वहाँ टॉलनट नहीं रखा है भैया, वहाँ ध्यान दीजिए, सबसे नीचे में देखिए भैया। हो अब जल्दी से वहाँ पर प्लांट फूड यूज़ कीजिए। ओए देख रहा हूँ, तू फिक्र मत कर, मेरा ध्यान सब तरफ है क्योंकि हर जगह से आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करना है। जल्दी से मैंने यहाँ पर प्लांट फूड यूज़ कर लिया, अभी एक और मेरे पास बाकी है, तो दो प्लांट फूड अभी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फाइनल वेव आ गई, बाप रे इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ, इनको मारना ज़रूरी है। जल्दी से प्लांट फूड यूज़ करता हूँ, एक जगह यूज़ किया, अब दूसरी जगह भी यूज़ करता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अरे जल्दी से यूज़ करना पड़ेगा, ये बैल वाले आ गए थे, अच्छा वो मर गए। अभी लगभग थोड़े से और ज़ॉम्बी बाकी है, मेरे एंडेजेंट प्लांट को खा रहे हैं, अच्छा वो टॉलनट रख दिया मैंने वहाँ पर। इतनी भीड़ में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर कौन है, अच्छा वो टाइमली मैंने टॉलनट रख दिया, वरना वो तो मेरे प्लांट को खा ही जाते। वाह भैया बढ़िया है, अब ये वाला लेवल भी क्रॉस हो गया भैया। बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली ये हो गया भैया। चलिए अब फाइनल बात आती है भैया ज़ॉम्बी बॉस की।
आखिरकार हम पहुंच ही गए भैया, हमने ये फ्रीजिंग मेलन को अनलॉक कर लिया है। देखिए भैया 500 सन है, ये तो वैसे भी यूज़ नहीं कर पाते भैया, पर विंटर मेलन फाइनली आ गया भैया। ओए ठीक है, चल अब लास्ट जॉम्बी बॉस को उसको हराते हैं, देखते हैं अब कैसा खेलता है। हाँ भैया देखते हैं जॉम्बी बॉस को, ये फाइनल लेवल पे आ गया भैया। देखिए अब इसको हरा के हम इस वर्ल्ड को भी ख़त्म कर देंगे भैया। ये तो वाइल्ड वेस्ट का बॉस है भैया, ये जॉम्बी बॉस है। ओए ठीक है देखते हैं, अरे अच्छे अच्छे को हरा दिया, ये क्या चीज़ है। अरे आने दे, देखते हैं यहाँ पर दो ट्रॉली है और ये जॉम्बी बॉस आ गया, कोई बात नहीं। ओए क्रेजी रेप भी आ गया, अरे तू क्या कर लेगा, तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं। तो अब जल्दी से खेलना चालू करते हैं। तो देख ये कैसा है, अरे ये तो किस में आया है, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके पीछे तो एक बैल भी है। हाँ भैया देखिए अजीब वगरीब बाड़ी है, लेकिन वाइल्ड वेस्ट की बाड़ी है भैया, कोई बात नहीं। लाइटनिंग रीड है भैया, इसको यहाँ रखते हैं, ये डबल हेड वाला है, इसको यहाँ रखते हैं, वाटर वेलन को यहाँ रखते हैं भैया। देखिए जैसे अब तुरंत ये पियानो वाला भी आ रहा है भैया, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, प्लांट फूड आ गया भैया। देखिए अब जहाँ जहाँ जो जो मौका मिलता है वहाँ वहाँ लगाते जाइए, देखिए कितने सारे प्लांट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। लेकिन ये क्या, उसने तो ये रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिया भैया, हमारे प्लांट तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे। अरे बाप रे, मैंने सोचा था कि आराम से हो जाएगा, पर अभी दिक्कत हो रही है भैया। देखिए इस पियानो वाले को हराना पड़ेगा, अच्छा हुआ फाइनली पियानो वाला हार गया। तो अब जल्दी जल्दी लगाना चालू करते हैं। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि हमारे प्लांट उस पर अटैक कर रहे हैं भैया। ओए इतने सारे प्लांट हमारे रिजर्व में हैं, उनको जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। टॉल नट यहाँ रख देता हूँ, देख कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। अब जल्दी से प्लांट फूड यूज़ करता हूँ, सबको मारता हूँ। अभी देख ये अटैक कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे एक ही प्लांट उस पे है, वो उसके मारने से क्या होगा। चल बढ़िया है, अभी यहाँ भी अटैक कर रहा है, वहाँ भी कोई प्लांट नहीं है, अभी अच्छा मौका है, हम ऐसे ही खेलते हैं। बढ़िया भैया, अभी तो आपके सब प्लांट अच्छा खेल रहे हैं, अभी कोई ज़ॉम्बी भी नहीं है और कोई ख़तरनाक ज़ॉम्बी भी नहीं है भैया। बहुत बढ़िया भैया, अच्छा खेल रहे हैं। ये पी पॉट भी आ गया और ये पियानो वाला भी आ रहा है भैया, इसके लिए जल्दी से प्लांट फूड यूज़ कीजिए। बहुत बढ़िया भैया, एक प्लांट फूड और मिला है, रिजर्व में रखिएगा भैया, काम आएंगे। ओए ठीक है, अभी दो तीन प्लांट और है, अभी इन्हें रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पी पॉट तो मैंने बहुत सही जगह रखा हुआ है, वो उसके बस भी चार पांच प्लांट तो हो ही चुके हैं, तो वो पूरी तरह से भर चुका है और इसके ऊपर अब लगातार अटैक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, देख ज़ॉम्बी बॉस को तो अचानक बहुत हमला हो रहा है उसके ऊपर। हाँ भैया बहुत बढ़िया, लेकिन वो बौखला गया है, देखिए भैया, और इतने सारे रॉकेट से अटैक कर रहा है भैया। बढ़िया है, टॉल नट भी हमको मिलता जा रहा है भैया, ज़ॉम्बियों को रोकने के काम आएगा। पी पॉट में जल्दी जल्दी हम लगाना चालू करते हैं भैया, देखिए ताकि वो अच्छे से अटैक करे। और एक क्वार्टर मीटर विलन भी है हमारे पास, लेकिन अब रखने के लिए जगह नहीं दिख रही है भैया। अरे ये क्या भैया, अब बड़े वाले ये ज़ॉम्बी आना चालू हो गए हैं भैया, वो भी कितने सारे आ रहे हैं भैया। अब इस वाटरमेलन के ऊपर हम रखना चालू करते हैं, लेकिन उसे उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ भैया। ओ ये तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी मेरे पास प्लांट फूड बाकी भी नहीं है, अब क्या करूँ, वो तो लगातार आता जा रहा है। अरे वो तो उसका भाई भी आ गया, अरे बाप रे इतने सारे एक साथ, वो बहुत पास पहुँच गया है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देख मुन्ना वो तो आता ही जा रहा है और हमारे पास कोई प्लांट फूड नहीं है, और यहाँ भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ उसको मैं जला देता हूँ, तभी हमारा काम बन पाएगा। ओह बहुत क्लोज कॉल था, लेकिन फाइनली मर गए, कोई बात नहीं, इसे ट्रैम्पल कर दिए मेरे पूरे प्लांट्स को, लेकिन हमारे पास काफ़ी प्लांट है अभी भी, हमारे रिजर्व वाले प्लांट कब काम आएंगे। तो जहाँ भी अब अटैक नहीं कर रहा है वहाँ पर मैं प्लांट रखना चालू करता हूँ, और ये तो लगातार अटैक कर रहा है, पर कोई बात नहीं, कब तक बचेगा, अभी इसका हेल्थ तो काफ़ी डाउन हो चुका है। और जैसे जैसे मेरे प्लांट आते जा रहे हैं, मैं उन्हें खाली जगह पे लगाता जा रहा हूँ। देख इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं हम, और मेरे प्लांट के ऊपर भी ये लगातार अटैक कर रहा है, पर कोई बात नहीं, जो भी खाली जगह मुझे दिखती है मैं जल्दी जल्दी उस पर प्लांट करता जाता हूँ। ओह ये देख उसने फिर से अटैक किया, अब इस बार मेरे तीन तीन प्लांट ख़त्म हो गए, पर कोई बात नहीं, अभी मेरे पास रिजर्व में और है। ओ ये तो उसी जगह पे दूसरी बार अटैक कर रहा है, पागल ज़ॉम्बी है, देख एक बार के प्लांट ख़त्म कर दिए, उस पर दोबारा उस पर अटैक कर रहा है, पर कोई बात नहीं, पी पॉट में मैंने और भी प्लांट घुसा दिए, अभी देख
मेरे ख्याल से मेरा जो अटैक है वो सही चल रहा है। अब तो ज़्यादा कुछ बाकी भी नहीं है। देख अभी सब जगह मैंने प्लांट रख दिए हैं। अब तो मुझे जगह भी नहीं दिख रही है कि कहाँ पर प्लांट कर सकूँ। अब ये तो इकट्ठा होते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मेरे पास प्लांट फूड एक है, कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए मैंने बिजली वाला लगाया है, ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बॉस ख़त्म होने वाला है। देख उसका हेल्थ कितना ज़्यादा डाउन हो गया, लगभग हमने हरा ही दिया उसे। हाँ भैया देख रहा हूँ, लगभग उसका काम ख़त्म होने वाला है। भैया देखिए फ्रीज हो चुका है और कितनी ज़्यादा उसे मार पड़ी है। भैया लगभग ख़त्म होने को है वो। ज़रा उसका हेल्थ बार तो देखिए भैया। और फाइनली हमने इस ज़ॉम्बी बॉस को भी हरा दिया। भैया क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, आपने इसे भी हरा दिया। ओए हाँ क्या बात है, आखिरकार हमने इसे हरा ही दिया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब वाइल्ड वेस्ट भी ख़त्म हो गया, अब इसके बाद हम दूसरा वर्ल्ड को अनलॉक करेंगे, देखेंगे कौन सा होता है। इसके बाद फ्रीजिंग वर्ल्ड आएगा भैया, एकदम आइस एज वाला, उसको भी हम अनलॉक करेंगे भैया, उसी से खेलेंगे भैया। ओए ठीक है तू बोलेगा तो उसी को अनलॉक कर देंगे। तो भैया ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।